अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की मेरी वीडियो है लिपस्टिक्स दिखाने के बारे में। काफ़ी लड़कियों की डिमांड होती है कि हम कौन सी लिपस्टिक्स लगाएं, हमारे साथ कौन सी सूट करेगी। तो आज मैं उनको पूरी डिटेल वीडियो में बताऊंगी कि उनके लिए कौन सी अच्छी है और कौन सी सूट नहीं करती उनको। तो वो आज मैं सारा बताऊंगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग को मिल सके। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो है लिपस्टिक्स के बारे में, लाइक जिनकी शादियाँ आ रही हैं तो उनके लिए मैं आज बताऊंगी, आ रहे हैं तो मैं उनको आज बताऊंगी कि वो कौन सी लिपस्टिक किस इवेंट के हिसाब से लगा सकते हैं। और उनको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी इस वीडियो में कि आप लोग कैसे यूज़ करें, टीनेजर्स के लिए क्या बेस्ट है, और कैजुअल वेयर में कैसे लगाएं, अपनी इवेंट्स पे कैसे लगाएं। जो लोग टीनेजर होते हैं या जो कैजुअल वेयर में होते हैं, घर में होते हैं या कहीं आना जाना होता है, तो फुल लाइट शेड लगाएं, ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जिनकी शादियां होने वाली होती है, लाइक जो मैरिड हो जाती है और शादी के कुछ दिन बाद कहीं आना जाना बहुत होता है ब्राइड से, तो वो डार्क भी अच्छी लगती हैं। लेकिन उन सब के लिए कलर्स कौन से अच्छे लगते हैं, उनकी नंबरिंग कौन सी बेस्ट है, तो वो हम अपने वीडियो में बताएंगे। तो चलते हैं, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको डिटेल से बताते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैंने अपना बॉक्स ओपन किया और आप लोग को दिखा रही हूँ कि मेरी कितनी सारी लिपस्टिक्स हैं, बहुत ज़्यादा है। अभी तो ये मैंने कम दिखाई हैं, लेकिन जो मेरे प्रोफेशनल हैं वो सेपरेट हैं और जो मेरे यूज़ के हैं तो वो सेपरेट हैं। गाइस, यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये मैक की लिपस्टिक है। इसी तरह मेरे पास बहुत सारे ब्रांड्स के हैं, लेकिन प्रोफेशनल अलग होती हैं और मेरे जो ये पर्सनल यूजेज में है ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो यहाँ पर आपको मैंने सारी नोट करके दिखा दी हैं। और गाइस, ये दो बाय मिस्टेकली यहाँ पर लग गई हैं, वो चिपक गई थी, तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास है, स्वीट टच की है, 782 नंबर है उसका, बहुत प्यारा शेड है और हाईली रिकमेंड है। स्वीट टच की बहुत ही अच्छी लिपस्टिक्स होती हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और आप लोग इस तरह स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। और दूसरी है मार्क जैकबॉस की, ये बहुत प्यारा शेड है। यहाँ पर मैंने आपको ट्राई करके भी बताया है कि आप लोग देख सकते हो ऊपर वाला बहुत प्यारा शेड, और जब ये लिप्स पे लगता है तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होती है इसकी और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। और इसका नंबर है 216, बहुत ही ज़बरदस्त है। गाइज, आप लोग ज़रूर ट्राई करें और आप इस तरह स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और सुई टच की बहुत ज़्यादा 100% रिकमेंडेड है और ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, और इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और नेक्स्ट है मैक का, तो ये है उसका स्वीट टच का शेड, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़बरदस्त पिगमेंटेड है। इसको मैंने स्वेचेस करके भी दिखाती हूँ आप लोगों को अभी, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है। ये है इसका स्वेचेस और इसका बहुत ही प्यारा शेड है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और बहुत ही पिगमेंटेड है और इसका जो है ना, मैं आउटलेट भी हैं और आप लोगों को मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट है मार्क जैकबॉस का 216, वो आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही प्यारा शेड है। इसकी भी मैं आप लोगों को स्वेचेस करके दिखाती हूँ, ये भी 100% रिकमेंडेड है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। जो लोग वेडिंग पे जा रहे होते हैं कहीं भी इवेंट्स पर, तो कैजुअल वेयर में भी आप लोग ये यूज़ कर सकते हो, बेस्ट रिजल्ट है। मैं बहुत इसकी फ़ैन हूँ बड़ी, मुझे बहुत पसंद है। और नेक्स्ट है मैक का A44, बहुत ज़बरदस्त शेड है, लाइक कैजुअल इवेंट्स पे आप लोग लगा सकते हो, बहुत ही पिगमेंटेड है। तो ये है इसकी लिपस्टिक्स और मैं इसको आपको ट्राई करके दिखाती हूँ अब। ये वाली बहुत पिगमेंटेड है, बहुत अच्छी है। ये है मार्क जैकबॉस का शेड, इसको भी मैं अप्लाई करके आप लोग को दिखाती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा। तो ये है इसका पिगमेंटेड, बहुत ज़बरदस्त है। गाइस, आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइएगा। तो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर, तो यहाँ पर गाइस आप लोग स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हैं। और नेक्स्ट है मैक का A44,
बहुत प्यारा शेड है इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत प्यारा पिगमेंट है ये, और जब लगता है तो बहुत ही डिसेंट लुक आती है। इससे आप लोग अपने इवेंट्स पर भी लगाकर देखिएगा ज़रूर, ये बहुत ही डिसेंट लुक लगती है। तो गाइज यहाँ पर आपके पास सब लिपस्टिक के शेड्स पड़े, आप लोग ज़रूर स्क्रीनशॉट लें ताकि आप लोग को पता चले कि आप लोग को कौन सा इजी मतलब अच्छा लगता है, तो आप लोग वही यूज़ करें। और A44 वाला जो मैक का शेड है वो आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है। तो गाइज अब नेक्स्ट शेड है इसका मैक का, और यहाँ पर पिगमेंट इसका चेक करें, बहुत ही प्यारा शेड है। और जब ये लिप्स पे लगता है तो बहुत ही प्यारा शेड आता है, इसका लुक आता है। तो गाइज यहाँ पर अब आप लोग को स्वेचेस दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारे शेड्स के हैं। ये फर्स्ट का है, बहुत ही प्यारा और डिसेंट है। और ये मार्क जैक बॉस का है, फिर ये A66 का है, और ये बहुत ही प्यारा शेड है, सॉरी A44 का, और बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें गाइज, आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा ये। और इसके अब मैंने स्वेचेस भी दिखा दिए आप लोग को, A44 जो है आपको वो हाईली रिकमेंडेड है। और उसके बाद है मैक का AC6, ये बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है। और ये जो दो लग गए हैं बाई मिस्टेक लग गए हैं, तो आप इनको इग्नोर करें जाके। बाकी जो है AC6 का बहुत प्यारा शेड है, ये भी हाईली रिकमेंडेड है। और यहाँ पर मेरा पेन भी ख़त्म हो गया। यहाँ पर अब है AC6 का, तो मैक का है, बहुत ही ज़बरदस्त शेड है गाइज। मैक की लिपस्टिक वाकई में बहुत अच्छी है, अगर आपके ओरिजिनल हो तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी बताइएगा। और यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ पर इसके स्वेचेस भी है। और ये मिड वाला है, प्यारा शेड है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है गाइस। जब ये आपके लिप्स पे लगते हैं तो बहुत ही प्यारा शेड लगता है AC6 का। और यहाँ पर फिर है मैक का A85, ये भी बहुत प्यारा शेड है, लेकिन ये थोड़ा डार्क हो जाता है। तो मैं आप लोग को यहाँ पर इनके वो स्वेचेस भी दिखा रही हूँ। ये AC6 का है, बहुत ही पिगमेंटेड है गाइज। मैक की जितनी भी कलेक्शन है वो सारी पिगमेंटेड और अच्छी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पर है ये A85 का, ये भी बहुत डिसेंट और प्यारा शेड है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और गाइज ये है A85 का स्वेचेस, बहुत ही डिसेंट है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और मैंने आपको स्वेचेस भी दिखाए हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताइएगा कि कैसे लगे आप लोगों को। ये सारे के सारे आपको हाईली रिकमेंडेड है, स्वीट टच के भी और मैक के भी। बट अगर आप लोग इनमें से कट करना चाह रहे हैं तो AC6 को आप नहीं लेना चाहते तो मर्जी है, लेकिन मुझे तो ये सारे ही बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरे पर्सनली यूज़ किए। और आप इस तरह स्क्रीनशॉट और अब मैं आप लोगों को लिप ग्लॉस के शेड दिखाती हूँ, वो मैंने लिपस्टिक के दिखाए थे। तो अब हम लिप ग्लॉस पर आते हैं, आप इस तरह आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप लेना चाह रहे हैं तो। ये आपको बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है, बहुत ही डिसेंट और प्यारे शेड्स हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले स्वीट टच के हैं सेंशुअल लिप्स का, और ये बहुत प्यारा शेड है और इसका नाम है फ्लर्टी लिप्स। तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई करें गाइस, बहुत प्यारा शेड है। और जब ये लगता है तो बड़ा प्यारा सा ग्लॉसी शेड आता है, तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं गाइस, तो आपको इजीली ये मिलेगा, तो ये आप ज़रूर ट्राई करें। और गाइस बाय मिस्टेकनली ये वाला पार्ट जो है मुझसे बड़ा स्लो मोशन में बन गया, तो इसके लिए दिल से सॉरी। खैर चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर ये वाला जो शेड है बहुत ही डिसेंट और प्यारा है, और इसका स्वेच भी मैं करके दिखाऊंगी। ये वाला शेड बहुत ही डिसेंट और प्यारा है, और कैजुअल वेयर में भी आप लोग कर सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड है। और अब इसका मैं आपको लिप कलर दिखाती हूँ, ये इसका कलर है सेंशुअल लिप का, फ्लर्टी लिप, बहुत ही डिसेंट लगता है और बहुत ही प्यारा शेड है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और इसके अब मैं आप लोगों को स्वेचेस भी दिखाती हूँ। स्वीट टच के जितने भी लिपस्टिक्स हैं बहुत ही हाईली रिकमेंडेड हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो ये है इसका सेंशुअल लिप कलर, और इसको अब मैं आप लोगों को अपना स्वेच करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्वेच किया और ये बहुत ही डिसेंट लुक लगता है जब आपके लिप्स पर लगता है। तो गाइज ये है इसका स्वेच, ये थोड़ा मैट ग्लॉस है और बहुत ही प्यारा लगता है, लॉन्ग लास्टिंग है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें।
तो गाइज ये है इसके स्वेच। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हैं। और अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप फोटो फिक्स हुदा का, बहुत ही प्यारा और ग्लॉसी शेड है। ये मुझे गिफ्ट मिला था खैर, लेकिन बहुत ही डिसेंट है। और ये मुझे दुबई से गिफ्ट मिला था, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा। ये इसका बहुत प्यारा शेड है, तो इसका भी मैं आप लोगों को स्वेच दिखाती हूँ। ये हाईली रिकमेंडेड है। और मेरे जो प्रोफेशनल होते हैं वो साइड पर होते हैं और ये मतलब अलग होते हैं, और ये पर्सनल यूज़ के हैं। तो प्रोफेशनल वाले मैं आपको फिर दिखाऊंगी कभी, लेकिन ये अभी मेरे पर्सनल यूज़ के हैं। तो यहाँ पर मैं इसका स्वेच करके दिखाती हूँ कि कितना ग्लॉसी और प्यारा शेड है। आप लोग ज़रूर ट्राई करेगा और हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। तो ये है इसका शेड, बहुत ही प्यारा था। वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, खुद ही बना रही थी, तो इसीलिए ऐसी थोड़ी बहुत शेक हो रही है। एनीवेज ये है इसका शेड, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये बहुत ही प्यारा लगता है जब लिप्स पे लगता है, और बहुत ही ग्लॉसी और डिसेंट लुक देते हैं। और गाइज आप लोग यहाँ पर स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। और गाइज अब है ये सेफोरा का पीच पिंक शेड, बहुत ही डिसेंट और प्यारा शेड है। और जब भी आप कैजुअल वेयर में लगाते हैं तो बहुत ही डिसेंट लगता है। और इसका भी मैं आपको स्वेच करके दिखाती हूँ। गाइज ये इस तरह दिखती है और आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही डिसेंट लुक आता है। तो गाइज यहाँ पर अब मैं आप लोगों को स्वेच करके दिखाती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी, और ज़रूर ट्राई करके मुझे फीडबैक दीजिएगा। तो गाइज ये है इसका स्वेच, बहुत ही डिसेंट कलर है, बहुत ही प्यारा लगता है जब आप कैजुअल इवेंट्स पे ट्राई करते हैं। एज अ टीनेजर आप लोग ये ट्राई करें तो बहुत ही डिसेंट लगता है। गाइज आप लोग इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। और नेक्स्ट यहाँ पर है एक्सट्रीम का, और ये है बहुत प्यारा शेड, मैट है। और इसको भी मैं आप लोगों को स्वेच करके बकायदा दिखाती हूँ। ये है और ये बहुत ही डिसेंट है, टीनेजर तो मस्ट ट्राई करें। लाइक आपको कैजुअल इवेंट हो या वेडिंग में हो तो आप लोग लाइट शेड लगाना पसंद करते हैं, तो ये ज़रूर ट्राई करें गाइस, बहुत डिसेंट है, मेरा फेवरेट लिप कलर यही है। तो गाइज यहाँ पर मैं अब आप लोगों को स्वेच करके दिखा रही हूँ। गाइज आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही डिसेंट लगता है ये। और गाइज उम्मीद करती हूँ आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल मेरी वीडियो रही होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और इसका ये मैट शेड है गाइज, आप लोग ज़रूर ट्राई करें और इसका आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही डिसेंट शेड्स हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट जो शेड है आप लोग फिर भी देख लें यहाँ पर कि कौन से हैं। और नेक्स्ट है पीच का, सॉरी स्मैश बॉक्स का पीच कलर है। ये भी बहुत डिसेंट कलर है गाइज, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। ये सारे मैंने दुबई और इधर से मतलब यूके से लिए हुए हैं, तो आप लोग भी लीजिएगा और ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे हैं। और इन सब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। यहाँ पर मैंने स्वेच करके दिखा दिया, आप स्वेच दे सकते हैं। टीनेजर ये ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आप लोग अपने इवेंट्स पे भी ट्राई करें, तो ये इनके आप एज अ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और गाइस यहाँ पर नेक्स्ट है पीच टू फेस का पीच शेड, ये भी बहुत प्यारा शेड है। टू फेस बहुत ही एक्सपेंसिव और अच्छा ब्रांड है, मेरा फेवरेट है, बट थोड़ा एक्सपेंसिव है। और इसका बहुत प्यारा शेड है गाइस, जिसकी जो स्मेल थी माइंड ब्लोइंग थी, बहुत ही अच्छी स्मेल थी। और गाइस आप लोग ये एज अ कैजुअल इवेंट में भी ट्राई कर सकते हैं, कलर मिलते जुलते हैं बट ये बहुत प्यारा है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें गाइस। तो ये था इसका स्वेच, इस तरह आप स्क्रीन शॉट लें और लें और ख़रीदें और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसे लगे आप लोगों को मेरे स्वेचेस। और इस तरह आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। और अब नेक्स्ट है YSL का, और ये बहुत ज़बरदस्त है, इसका नंबर भी नीचे लिखा हुआ है गाइज। ये इसका शेड है, इसकी पैकिंग बहुत प्यारी है और इसकी जो कलर है वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो वो मैं आप लोगों को स्वेचेस दिखाती हूँ इनके कि कैसे हैं।
और आप इसको एज अ वेडिंग उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, और अपनी लाइक जैसी ब्राइड्स आती हैं तो उन पर भी। तो इसका ये शेड है, और ये थोड़ा ऑरेंज टाइप है, लेकिन ये बहुत ही डिसेंट है गाइस। जब ये लगता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। और गाइस आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और गाइस ये सारे स्वेचेज मैंने करके दिखा दिए हैं, आप इस तरह आप लोग इजी होकर स्क्रीनशॉट लें ताकि आप लोगों को हेल्पफुल रहे। और गाइस अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा गाइस, और मुझे सपोर्ट करें। और हाँ गाइस इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल में जो भी वीडियो आए आप लोगों को मिल सके। तो ये सारे स्वेचेज मैंने करके दिखा दिए हैं आप लोगों को प्रॉपरली, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये यहाँ पर सारे स्वेचेज हैं मैंने करके बकायदा दिखा दिए हैं। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आप लोगों की मेरी आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और होप्स हो कि आप लोगों को पसंद भी आई होगी और हेल्पफुल भी रही होगी। तो मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक का अपना ख्याल रखें। और गाइस हाँ अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और गाइस मुझे सपोर्ट करें। और हाँ गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो तब तक का अपना ख्याल रखें गाइस, अल्लाह हाफिज़।